नमस्कार डियर लर्नर्स, आप सभी का पुनः स्वयं प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज का जो विषय है ऑब्जेक्ट स्टडी विद ऑयल कलर पार्ट 3। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि स्केच, कलर से स्केच, और पार्ट 2 में देखा कलरिंग का कार्य। आपने देखा कि ब्लू पॉट को कैसे डायमेंशन में क्रिएट किया गया है, एक आभास पैदा किया गया है। उसी के साथ साथ बैकग्राउंड का जो पर्दा है उसको भी रंगने का कार्य आपने देखा। तो आइए चलते हैं पार्ट 2 में, जहाँ रुका हुआ कार्य है उसी को आगे बढ़ाते हैं। प्लेट का हिस्सा कलर करेंगे नींबू और फ्लावर। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आगे का कार्य कैसे होता है। आइए देखते हैं कि नींबू को कैसे रंगा जाए। उसमें जो टोन दिख रहे हैं आप पैलेट में वो टोन बना लें और डायरेक्ट अप्लाई आप कर सकते हैं। तो मैंने क्रोम येलो लिया है, थोड़ा सा ऑरेंज लिया है, और ग्रीन कलर पहले ड्रेपरी में है उसको भी मिला लिया है। जो उसका डार्क हिस्सा है उसको कवर करेंगे। आप देख पा रहे होंगे चित्र में। उसके बाद क्रोम येलो थोड़ा सा और मिलाएंगे और पर्दे का जो कलर था उसमें मिक्स करेंगे। क्योंकि हर वस्तु पे एक दूसरे का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो उसको भी आपको ध्यान देना है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब क्रोम येलो डायरेक्ट लेकर भी अप्लाई आप कर सकते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा है ऊपर का। और जो हाईलाइट का हिस्सा है उसको और भी छोड़ना है आपको। अब फ्रेश ब्रश को लेना है, हाईलाइट आपको लगा देना है। उसमें थोड़ा सा वाइट भी आपको मिलाना पड़ेगा। इस एरिया में हाईलाइट आपको लगाना है, क्योंकि लाइट जो डाला जा रहा है वस्तुओं पे वो पीला नहीं है, लाइट वाइट है, तो उसका रिफ्लेक्शन भी आपको वाइट ही में दिखेगा।
बाद में उसके कॉर्नर से अंदर की तरफ पीला कलर लाएंगे, और यहाँ पे भी थोड़ा रेड की मात्रा है तो हल्का सा टच कर देंगे, और कहीं कहीं पे ऑरेंज भी दिख रहा है इस रेड में, तो उसको भी कवर कर सकते हैं प्योर ऑरेंज लेकर भी। उसके बाद प्योर क्रोम येलो लेमन येलो आप लगा सकते हैं। फ्रेश ब्रश लेना है आपको, नहीं तो फिर वो कलर गंदा हो जाएगा। मैंने फ्रेश ब्रश लिया है लिंसिड ऑयल मिलाते हुए। काउंट नहीं करना है, इम्प्रेशन लाना है आप लोग को। तो आप देख पा रहे हैं कि उसका इम्प्रेशन आ रहा है। वैसे यहाँ पे जो है थपथपाएंगे ब्रश को इसका इम्प्रेशन लाने के लिए। उसके बाद वाइट इसमें मिला देंगे तो अपने आप वो सूखे का इम्प्रेशन आ जाएगा। थोड़ा सा इस कलर में वाइट मिला के यूज करेंगे। ब्रश को हर तरह से चलाना होता है। एक सूखा इम्प्रेशन आ जाएगा। प्योर एक आप यहाँ देख पा रहे होंगे और यहाँ पे ग्रीन कलर का थोड़ा सा टच है तो थोड़ा ग्रीन मिलाते हुए यहाँ पे कवर करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे ब्रश को ऐसे लगाएंगे। अब इसमें जो हाईलाइट है वाइट मिक्स करके लगाएं, या प्योर वाइट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे कहीं कहीं पे, तो डायमेंशन अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे आगे के तीन पत्तियों में अच्छा कलर दिख रहा है। अब जो पत्तियाँ हैं उसको कवर करना है ग्रीन कलर के साथ। पहले कुछ था लेकिन अभी सारे मुरझा गए पत्ते, तो स्ट्रोक्स के माध्यम से आपको कवर करना है। सारे मिक्स टोन लगाएंगे और भी खुशनुमा वो दिखेगा।
पे थोड़ा सा गुच्छा है, इसको कवर करेंगे। यहाँ भी लाइट एंड शेड का कमाल है, जितनी अच्छे तरीके से आप टोन को पकड़ेंगे उतना ही अच्छा डायमेंशन आएगा। इसका जो टोन है हल्का सा लाइट ही है, थोड़ा सा लाइट और लगाएंगे आगे वाले ब्रांच में। ब्रश को साफ करके हाईलाइट एक बार और देखेंगे इसके ब्रांच में। इस एरिया में थोड़ा सा कवर करेंगे और हाईलाइट को। थोड़ा सा ड्रेपरी में भी यहाँ पे लाइट थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, तो आप ध्यान दें। आपके पास पहले से एक हॉग हेयर में कलर था, उसको कवर किया जा सकता है। एक फ्लावर में जो बीच का हिस्सा ब्राउन है, पहले ब्राउन लगाएंगे उसके बाद इससे भी डार्क टोन यहाँ पे यूज करेंगे, तो बीच का हिस्सा ऐसे कवर हो जाएगा।
कहीं कहीं पे एक हल्का सा टच करेंगे, उससे और डायमेंशन आ जाएगा। पॉट का बॉटम एरिया थोड़ा सा कवर करेंगे। तो आप लोग को प्राप्त हो गया आज का जो ऑब्जेक्ट स्टडी विथ ऑयल कलर था। तो इस भाग में आपने पूरा देख लिया कि ऑयल कलर से किस टेक्निक की तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी बनाने का प्रयास करें और बेहतर बनाएं, इससे भी बेहतर बनाएं। जो जो रंग दिख रहा है अपनों को वैसा ही लगाने का प्रयास करें। तो आप लोग के सामने स्टील लाइफ ऑयल कलर में कैसे किया गया, एक रिजल्ट के रूप में आप लोग को ये छवि प्राप्त हो रही है। तो इसकी अनुकृति करें और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने कार्य किया है वैसा ही करने का प्रयास करें और इससे भी बेहतर आप बनाएं। तो आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ देखा होगा। तो इसी के साथ मैं यहीं पे इस डेमोंस्ट्रेशन का कार्य रोकता हूँ, पूर्णतया हो गया है। धन्यवाद।